Hello and welcome to The Print. Today we're in Rampur in Uttar Pradesh where Radico Khaitan distills their Rampur single malt. Indian single malt brands are clearly having their moment in the sun. From Rampur to Indri to Amrut to Paul John, these brands are doing extremely well, winning all kinds of international accolades and doing extremely well in both domestic and international markets. What's interesting about these brands is, apart from the fact that they're obviously selling a quality product, it's also the fact that there's a great deal of Indianness to them, going by both their packaging and the motifs on the packaging. Indian whiskey is at an inflection point of sorts today, with both consumer behavior changing as well as brands clamoring to meet the demand and amping up their supply chains. In both Indri in Haryana and Rampur in UP, there exists a full manufacturing setup for the single malts. Local villagers are hired to work in the factories where there is a full industrial setup. They perform activities that are overlooked but central and essential to the production process, right down to the bottling and the packaging. तो राधिको ने रामपुर शहर के लिए क्या किया है, क्या बदलाव आया है रामपुर में राधिको की वजह से? रेडिको की वजह से रामपुर में लोगों का लिविंग स्टेटस चेंज हुआ है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है. रेडिको सोशल कोज में बहुत सारे काम करती है रामपुर में. रेडिको ने यहाँ बहुत सारे पार्क डेवलप कराए हैं. रेडिको ने कोविड टाइम में यहाँ ऑक्सीजन प्लांट सेटअप किए हैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर में. उनकी CHC है बिलासपुर में, तहसील पड़ती है रामपुर की, वो हमने सेटअप किया है यहाँ. बाकी और 5 डिस्ट्रिक्ट में भी हमने गैस के प्लांट लगाए थे कोविड टाइम में, ऑक्सीजन प्लांट. और अभी हम हाफ मैराथन भी कराते हैं यहाँ, बहुत अच्छी डेवलपथॉन हुई थी. एवरी ईयर वी आर गोइंग टू डू दैट एंड दैट इज़ अ वेरी बिग इवेंट फॉर द पब्लिक. टाइम टाइम पे अलग अलग तरह के हम कराते रहते हैं. एक यहाँ डालमिया आई हॉस्पिटल है, उसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें दी हैं जो लोगों के काम आ रही हैं. और ऐसी मशीनें लखनऊ से दिल्ली के बीच में कहीं नहीं, या तो लखनऊ है या दिल्ली में है, तो पेशेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियबल है नोबल कॉज में. तो रेडिको में, रेडिको की और रामपुर में रेडिको के अलावा कोई अच्छा बिजनेस नहीं है, ना ही कोई कंपनी है इतनी बड़ी. बाकी छोटे मोटे प्लांट मैंथोल के हैं, तो वो आउट ऑफ सिटी हैं, दूर. लेकिन हम यहाँ शहर में बैठे हुए हैं बिल्कुल बीचों बीच, तो इसलिए. दूसरी बात, हमने यहाँ जल शक्ति के उस पर बहुत अच्छा काम किया है आउट ऑफ लिविंग के साथ मिलकर. और ड्यू टू दैट वर्क, हमारा जो ब्लॉक था वो पहले डार्क जोन में आता था, वो अब डार्क जोन से बाहर आ गया है. और उसका नोटिफिकेशन भी आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, CGWA ने उसको क्लियर भी कर दिया है कि अब चमरौआ ब्लॉक जहाँ हमारी फैक्ट्री है वो डार्क जोन से बाहर आ गया है. इतने सारे बहुत सारे काम रेडिको की वजह से चल रहे हैं यहाँ रामपुर में. रामपुर देखा जाए तो रेडिको की वजह से रामपुर है आज की जो स्थिति है. अगर रेडिको नहीं है तो रामपुर ज़ीरो हो जाएगा. Changes are also coming about in Indri, where an experience center is undergoing construction, tailor-made for Indri drinkers. While these brands are winning global accolades and are luxury products, their distilleries are in modest locations that are supposed to be a nod to their Indian roots and the local flavors of the malts being produced. This is Antira Badwa reporting for The Print. Please follow us on our social media.